मेरा नाम टीकम सिंह है। जी क्या हुआ मामला बताओ। हम टीवड़ी कादरपुर जसवंत जो कस्बान में शामिल हो गया है नगर पालिका में, वहाँ पर रहते हैं। हमारा प्रजापति परिवार है, अकेला परिवार है। वहीं के 60-65 परिवार जाट बिरादरी के हैं। हमें बहुत दिन पहले लगभग 2006 में पट्टा हुआ। हम पहले से ही वहाँ रहते हैं और पट्टा हमें कुमार कला का हुआ। जो रहने वाली ज़मीन है उस ज़मीन को कब्जाने के लिए वहाँ के जाट बिरादरी के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं पूरी तरह से, जबकि हमने कोर्ट में दावा दायर कर रखा है और कोर्ट में हमने 2013 में दावा दायर किया, उसमें यथास्थिति के आदेश पारित हो गए। यथास्थिति के आदेश के बावजूद भी कई बार उन्होंने हमारा कब्जा तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने 122B की कार्रवाई हमारे खिलाफ़ की, जो 23/2/2016 को कोर्ट के आदेश अनुपालन में स्थगित कर दी गई, जब तक कोर्ट का आदेश अगला आदेश आए। लेकिन फिर भी ये लोग हमें परेशान करते रहे, कब्जा तोड़ने की कई बार कोशिश करी इन्होंने, हमारे घर में डकैती भी डाली, पथराव भी किया, लूटपाट भी की, आगजनी भी की, लेकिन कब्जे में ये सफल नहीं हो पाए कब्जा छुड़ाने में। लेकिन 30/11/2022 को गए 6 प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जो ऑर्डर हमारे पक्ष में कोर्ट ने किया, उसमें विपक्षी गण को हस्तक्षेप करने से रोका गया। लेकिन इतने पर भी इन लोगों ने हमारे यहाँ पथराव किया और तोड़फोड़ की, और हमने बार बार पुलिस में शिकायत की, SDM, DM, कमिश्नर तक आला अधिकारियों को, कई बार हम मुख्यमंत्री के दरबार में भी गए। इस दो साल के अंदर जो लगभग 2.5 साल के अंदर जो शोषण हमारा हुआ है वो हम कहां तक आपसे बताएं। हमारे पास इतने कागज़ हैं, बहुत सारे कागज़ हमारे पास हैं, जो हमारे यहां से लगा करके लखनऊ तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने में आज तक हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी हुई। इसका कारण के जो प्रतिवादी गण हैं उनके रिश्तेदार हैं विधायक, बस उनके इशारे पर काम चल रहा है, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आज भी कोर्ट के आदेश के बावजूद नायब तहसीलदार वहां पर गए, पूरा तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनके साथ में गया और वहां जाकर के हमारे यहां तोड़फोड़ की, और उनके जाने के तुरंत बाद जैसे ही पत्रकार पहुंचे तो वैसे ही ये लोग सब वहां से भाग निकले, और उनके जाने के बाद प्रतिवादीगण ने हमारे घर पर पथराव किया। इससे पहले भी कई बार पथराव किया है, आज भी पथराव किया। हमारे ही एक लड़के को ले गए उठा करके और उसको बंद कर दिया, और हमारी कोई सुनवाई नहीं है।